हेलो दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन क्लास करंट अफेयर्स की जो करेंगे वो हमारा पार्ट 19 होगा, ठीक है। आपने अगर बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं रिवीजन कराता हूँ जो कि करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस होती हैं, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि मरकॉम कम्युनिकेशन इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सौर ऊर्जा के मामले में वर्ष 2017 में विश्व के तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है, यानी कि विश्व के सबसे तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में ऊर्जा है किस क्षेत्र में। तो ये सौर ऊर्जा के मामले में वर्ष 2017 के अनुसार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत जो है वो मरकॉम कम्युनिकेशन इंडिया के तहत एक रिपोर्ट के अनुसार जो है कि सौर ऊर्जा के मामले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में ये उभरा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको अच्छे से नोटिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है कि हाल ही में भारत ने तटबंध निर्माण, ठीक है, तटबंध निर्माण के लिए किस देश के को अनुदान जारी किया है, यानी कि तटबंध निर्माण करने के लिए किस देश को अनुदान जारी किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल को जारी किया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं थर्ड प्रश्न। देखिए, थर्ड नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है कि हाल ही में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका ने औपचारिक रूप से अपना दूतावास को खोला है, ठीक है, ये दूतावास को खोला है जो कि अमेरिका ने, ऑप्शन ए जेरूसलम में इसको खोला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से एकदम नोटिस कर लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो कि औपचारिक रूप से अपना दूतावास जो कि जेरूसलम में खोला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है कि 11 मई 2018 से अमेरिका दक्षिण कोरिया, यानी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, इस अभ्यास का नाम क्या है, यानी कि जो कि 11 मई 2018 से संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था, तो इस अभ्यास का नाम क्या था। तो इसका नाम था कि मैक्स थंडर, ठीक है, मैक्स थंडर नाम की संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होती है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसकी जो शुरुआत की थी इन दोनों देशों ने 2009 में की थी। दोनों देशों के बीच जो कि वायु सैन्य अभ्यास होती है बेहतर समन्वयन के उद्देश्य से किया गया था, यानी कि दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वयन बढ़ाए रखने के लिए ये उद्देश्य के स्टार्ट किया गया था। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैक्स थंडर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये पांचवा नंबर प्रश्न है इस प्रकार कि भारत के किस शहर में राष्ट्रपति ने BARC यानी कि बार्क द्वारा विकसित दुबराज चावल की एक म्यूटेंट किस्म का उद्घाटन किया, ठीक है, यानी कि म्यूटेंट किस्म का एक नए चावल के किस्म का उद्घाटन किया है बार्क ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई में इसका किया गया। तो बार्क का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर जान लेना है कि बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाभा यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का होता है, BARC, ठीक है, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये होता है बार्क का फुल फॉर्म, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छठा नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है कि अमेरिका के बाद किस देश ने जेरूसलम में अपना दूतावास खोला है। ऊपर में हमने पढ़ा कि पहला अमेरिका ने खोला, तो दूसरा किसने खोला, तो दूसरा ग्वाटेमाला, ठीक है, अमेरिका के मध्य में इस ग्वाटेमाला देश स्थित है, तो इसने अमेरिका के बाद जेरूसलम में अपना दूतावास खोला है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सातवां नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव पर नज़र रखने के लिए पीएम मोदी द्वारा किस सुरंग की आधारशिला रखी गई है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस सुरंग की शिला रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोजिला सुरंग की आधारशिला रखी गई थी, और ये 19 मई 2018 को ये आधारशिला रखी गई थी, और इसके वजह से यानी कि जोजिला सुरंग की वजह से बहुत ही फ़ायदा होगा। क्या होगा, तो पहले क्या होता था कि ख़राब मौसम के वजह से लद्दाख की जो घाटी के संपर्क टूट जाता था, यानी कि लद्दाख से कश्मीर की घाटी में संपर्क टूट जाता था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती थी, नज़र नहीं रख पाते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन अब ये सुरंग बन जाने की वजह से क्या होगा कि अच्छे तरह से हम लोग लद्दाख पर नज़र रख पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आठवां नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में दिल्ली में बौद्धिक संपदा शुभंकर
आईपी नानी लॉन्च किया, ठीक है, आईपी नानी लॉन्च किया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, आईपी नानी लॉन्च किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए नौवां नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, ठीक है, खोले जाने को मंजूरी दे दी है, हाल ही में मंजूरी मिली है, तो किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भोपाल में इसको मंजूरी दी गई है। क्लियर है, यानी कि जो कि मांस, देखिए यहाँ ध्यान रखना कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NIMHR, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, NIMHR जो कि भोपाल में खोले जाने की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका इस प्रकार बनता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स कहते हैं, स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दे दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड, यानी कि झारखंड के देवधर में एम्स, नया एम्स स्थापित करने की मंजूरी मिली है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ 10 बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिविज़न क्लास। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।